हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता खन्ना आज आपको पोटैटो बाइट्स की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके उन्हें मैश कर दिया है। आधा कटोरी मैंने शिमला मिर्च को बारीक बारीक काटा है और आधा कटोरी गाजर को भी मैंने बारीक काटा है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, आधा कटोरी चीज़ लिया है, छोटी कटोरी ब्रेड क्रम लिया है और 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अभी मैं मैश पोटैटो में शिमला मिर्च, गाजर, हरा धनिया, चीज, ब्रेड क्रम, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3/4 स्पून में काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच में लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। आलू के मिक्सचर को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और ये कॉर्नफ्लोर में मैं थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक घोल बना लूँगी। मैंने पोटैटो के मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे पोटैटो बाइट्स बनाऊंगी। हाथों में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और एक प्लेट के ऊपर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है ताकि ये पोटैटो बाइट्स आपस में चिपके नहीं। इसकी मैं ऐसी शेप बना रही हूँ। इसी तरह मैं सब आलूओं की इस तरह की शेप बना के रख दूंगी। पहले हमारे सारे पोटैटो बाइट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे कॉर्नफ्लोर के घोल में डालूंगी और फिर इसे ब्रेड क्रम में डालूंगी। इस तरह मैं सब पोटैटो बाइट्स को रेडी करूंगी और इसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। पोटैटो बाइट्स को मैंने कॉर्नफ्लोर के घोल में डालकर उसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा दिया है। अब मैं इसे आधा घंटा फ्रिज में रख रही हूँ, उसके बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। आधे घंटे बाद मैंने पोटैटो बाइट्स को फ्रिज से बाहर निकाल दिया है और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। मैं इसे चारों तरफ से गोल्डन फ्राई करूंगी। गैस में थोड़ी सी कम कर रही हूँ। पोटैटो बाइट्स एक तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे पलट रही हूँ। गोल्डन होने पर मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। हमारे पोटैटो बाइट्स फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ। हमारे पोटैटो बाइट्स खाने के लिए रेडी हैं। इसे मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।